हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं NIOS लेसन 5, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। तो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर का आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आजकल जो हम फ्यूल यूज करते हैं जो कि है पेट्रोल एंड डीजल, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट करता है और वो नॉन रिन्यूएबल भी है। नॉन रिन्यूएबल मतलब वो जल्दी से अपने आप रिन्यू नहीं हो जाता, उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने के लिए। तो इसीलिए वो इतना महंगा है, इतना एक्सपेंसिव है और वो पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। आज जो हम लेसन करने वाले हैं फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, वो है फ्यूचर का फ्यूल। फ्यूचर का फ्यूल का मतलब है कि फ्यूचर में उस टाइप के फ्यूल्स यूज किए जाएंगे, बिकॉज वो पोल्यूटिंग नहीं होंगे, वो रिन्यूएबल होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो फ्री होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, लेसन नंबर 5, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। आप देख सकते हैं लेसन की शुरुआत में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू नो अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज क्लीन, रिन्यूएबल एंड टोटली फ्री। पहली बात, वो क्लीन है, वो साफ है, पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है। सेकेंड थिंग इज रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब नेचर से ही अपने आप वो रिन्यू हो जाता है, उसकी जो सप्लाई है वो फिर से वापस से वैसी ही हो जाती है जितनी थी, देन वो फ्री भी है। सो इसमें हमारे जो सोर्सेस हैं एनर्जी के, फ्यूल के, वो हैं सारे नेचुरल सोर्सेस, जैसे कि आपका सन है, पानी है, विंड है, बायोगैस है। इस सब टाइप की चीज़ों को इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट थिंग इज यू विल बी, सिंस ये एक साइंटिफिक पीस ऑफ राइटिंग है, तो सबसे पहले आप एक साइंटिफिक राइटिंग को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। कुछ इसमें साइंटिफिक टर्म्स हैं जो कि हम देख लेंगे, डिस्कस करेंगे, पैसिव वॉइस करेंगे इस लेसन में, हम मेक नोट्स, नोट मेकिंग करेंगे and ask for and supply information in speech. कैसे information लेना है और कैसे information supply करना है वो भी हम सीखेंगे। First start with section 1. इसमें difficult words मैंने already mark कर लिए हैं, but we'll take a look. I'll explain it to you. The buzzword today is clean energy, something that we can reap from nature. Buzzword मतलब आजकल जो जिस चीज का बहुत ज्यादा discussion हो रहा है उसे हम कहते हैं buzzword. बजवर्ड टुडे, आजकल जो लोग ज्यादा बात करते हैं वो क्या बात करते हैं कि एनर्जी क्लीन होनी चाहिए। क्लीन एनर्जी इज व्हाट पीपल वांट, समथिंग दैट वी कैन रीप फ्रॉम नेचर। और क्लीन के साथ साथ कोई ऐसी चीज जो कि हम नेचर से ही रीप, नेचर से ही निकाल सके, डिराइव कर सके। एंड द सर्च हैज लेड मैन टू द सन, और ये ढूंढते ढूंढते ये सर्च जो थी, ये ढूंढ जो थी, इस सर्च ने इंसान को कहाँ कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, कौन कौन सी एनर्जी के साथ इंट्रोड्यूस किया। वो एनर्जीज हैं सन, जो जिससे हम सोलर एनर्जी लेते हैं, विंड, जिससे हम विंड एनर्जी लेते हैं, टाइडल, जिससे हम टाइडल एनर्जी, जो कि लहरों की जो एनर्जी होती है, वो लेते हैं, देन वाटर, जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इवन बायोगैस जो प्लांट से हम निकालते हैं गैस, वो भी एज अ फ्यूल यूज होता है। द गुड न्यूज इज दैट We in India have reasons to be proud. तो अच्छी बात क्या है कि इस सर्च के अंदर हम इंडियंस के लिए एक बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। कि क्या है वो बात? पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की वो ओनली कंट्री है जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की भी एक मिनिस्ट्री है। तो पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की भी कोई मिनिस्ट्री हो। So it is a proud moment for us Indians. Secondly, India जो है world का fifth largest producer है wind energy का. So mainly मोटे मोटे तौर पर ये जो lesson है ये wind energy के बारे में है। Wind energy कैसे produce होती है, wind energy के advantages क्या है, wind energy के disadvantages क्या है, वो हम इस lesson में देखने वाले हैं, right? तो इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे, इसमें इसकी हिस्ट्री देखेंगे, विंड एनर्जी का प्रोसेस देखेंगे, विंड एनर्जी कैसे बनती है। सबसे पहले देखते हैं विंड एनर्जी डिराइव कैसे होती है, विंड एनर्जी पैदा कैसे होती है, ऑब्टेन कैसे होती है। ओके, सो विंड एनर्जी इज डिराइव थ्रू अ प्रोसेस वेयर विंड इज यूज्ड टू जनरेट मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी जो है वो डिराइव की जाती है, निकाली जाती है एक प्रोसेस से, एक प्रक्रिया से, जिसमें
विंड को यूज करके, यानी कि बहती पवन, पवन जो होती है वो विंड होती है, उसको यूज करके मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर होता है जो मशीन से रिलेटेड होती है पावर, और इलेक्ट्रिसिटी, सो मैकेनिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना विंड एनर्जी को यूज करके। तो विंड देख लो कितनी फ्रीली अवेलेबल है, और उसको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज बना रहे हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, उसके बिल्स आते हैं, अनफ्री ऑफ कॉस्ट है वो हमारे लिए। सो इट इज सो हेल्पफुल। विंड टर्बाइन कन्वर्ट करती हैं काइनेटिक एनर्जी को, विंड जो होती है वो दौड़ रही होती है, वो भाग रही होती है, तो उसके अंदर जो एक शक्ति होती है, जो पावर होती है, काइनेटिक एनर्जी उसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है, वो जो टर्बाइन्स है, टर्बाइन्स उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं, यानी कि चेंज करती हैं, बदलती हैं, किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल पावर में। वो मैकेनिकल पावर कहाँ कहाँ यूज होती है, जैसे अनाज की पिसाई के लिए, पानी को निकालने के लिए, वाटर पंप करने के लिए, और ग्राइंडिंग द ग्रेन्स को। उसके बाद ये जो मैकेनिकल पावर होती है उसके ऊपर काम करता है जनरेटर, और ये जनरेटर जो होता है ये मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। तो इस तरह से विंड टर्बाइन्स काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल पावर में बदलती हैं, और जनरेटर जो है वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। तो बेसिकली विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो प्रोसेस है, टू स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल पावर, फिर मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिसिटी। सिंस रिकॉर्डेड हिस्ट्री विंड पावर हैज बीन यूज्ड टू मूव शिप्स, ग्राइंड ग्रेन एंड पंप वाटर। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है मतलब इतिहास जब से रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है तब से हम पढ़ते आए हैं कि विंड पावर जो है, विंड पावर यानी कि पवन ऊर्जा, शिप्स को, बड़े बड़े जहाजों को मूव करने के लिए, उनको चलाने के लिए, अनाज की पिसाई के लिए, और पानी को निकालने के लिए यूज की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। ऐसा भी एविडेंस है, एविडेंस मतलब ऐसा भी सबूत है, ऐसा भी इतिहास साक्षी है कि विंड एनर्जी बोट्स को चलाने के लिए, प्रोपेल मतलब चलाना, सो बोट्स को नील नदी में चलाने के लिए इवन 5000 BC से भी उसका यूज किया जा रहा था। सो आप देख सकते हैं कि कितना पुराना है विंड एनर्जी का इतिहास, कि विंड एनर्जी कब कब से इस्तेमाल, कब कब से यूज की जा रही है। अब हम चलते हैं इंटेक्स क्वेश्चंस 5.1 पर, जो कि है फिल इन द ब्लैंक। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज अबव फॉर ईच ब्लैंक। ऊपर जो हमने अभी पैसेज पढ़ा है उसमें से यूज करते हुए आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो देख लेते हैं। पैसेज इज अबाउट अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्यूचर। अ ग्रेट डील ऑफ इम्पोर्टेंस इज गिवन टुडे टू क्लीन नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी। सम ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ क्लीन नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी आर द सन, द विंड, द टाइड्स, वाटर एंड इवन बायोगैस। Wind energy is a process by which wind is used to generate electricity. Wind turbines are used to convert wind energy into mechanical power. Subsequently, a generator is used to convert the mechanical power into electricity. अब हमें बताना है, when and where was wind energy first used? Wind energy जो है वो first time कब और कहाँ use की गई थी? तो हमें पता है कि wind energy 5000 BC में use की गई थी, कहाँ पर? Along the river Nile. So you will write, wind energy was first used to propel boats along the Nile River in the year 5000 BC. Let us move on to section 2. What has been the history of man's use of wind energy? Where and how is wind energy used in India? Ab second section par hum aa gaye hain, jisme hame bataya gaya hai insaan ne, humankind, mankind ne wind energy ko kaise kaise और कब कब यूज किया है। वेयर एंड हाउ, कहाँ और कैसे विंड एनर्जी इंडिया में यूज की जाती है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स मिलियंस ऑफ विंड मिल्स वर इरेक्टेड एज द अमेरिकन वेस्ट वाज डेवलपिंग ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी मतलब 1800 समथिंग। सो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यानी कि अमेरिका के अंदर मिलियंस ऑफ विंड, लाखों की तादाद में विंड मिल्स को खड़ा किया गया था, क्योंकि अमेरिका जो था वो डेवलप हो रहा था लेट 19th सेंचुरी। और उनका क्या यूज होता था? उनको पानी पंप करने के लिए, यानी कि पानी निकालने के लिए, फार्म्स एंड रैंचेस। रैंच होता है ग्रासी लैंड, यानी कि जहाँ पर भेड़ बकरियां चरते हैं, चारागाह जिसे बोलते हैं। सो रैंचेस एंड फार्म्स को पानी पहुंचाने के लिए उन विंड मिल्स का यूज किया जाता था। लेकिन 1910 के बाद
1910 मतलब 20th सेंचुरी लग गई, विंड टर्बाइन जनरेटर्स वर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज। मतलब 19th सेंचुरी तक उनका काम जो था पानी निकालना और इरिगेशन और ये सब के लिए यूज होता था, लेकिन 1910 के आसपास विंड टर्बाइन और जनरेटर्स लग गए थे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था कई यूरोपीय देशों में। एंड व्हाइल टुडे वन एसोसिएट्स विंडमिल विद द नीदरलैंड्स वेयर दे वर यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर, इट इज इन डेनमार्क दैट विंड इज एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी। और इवन आज तक और अब तक जो कोई भी पढ़ता है विंड एनर्जी के बारे में, वो विंड एनर्जी को या फिर विंड मिल्स को नीदरलैंड से ही एसोसिएट करता है। एसोसिएट करता है मतलब अगर विंड मिल की बात आती है तो नीदरलैंड्स की बात भी करते हैं लोग, क्योंकि हो सकता है कि विंड मिल्स वहां पर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हो, बिकॉज नीदरलैंड्स के अंदर ही विंड मिल्स को पानी ड्रॉ करने के लिए, पानी पंप करने के लिए यूज किया जाता है। और डेनमार्क में विंड जो है इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ होगा? जहाँ पर विंड ज्यादा चलेगी, हवा ज्यादा चलेगी, यहाँ पर हवा का बहाव ज्यादा होगा। ऐसी थोड़ी जगहों में यूज होगी जहाँ पर विंड अच्छे से नहीं चलती, जहाँ पर विंड अच्छे से चलती है वहीं पर अच्छे से यूज भी किया जाएगा, इजंट इट? क्लोज टू होम मतलब अब हम इंडिया की बात करते हैं। क्लोज टू होम तमिलनाडु वॉज अमंग द फर्स्ट इन इंडिया टू गिव अ फिलिप। फिलिप क्या होता है? फिलिप मतलब किसी चीज को बूस्ट करना, किसी चीज को बढ़ावा देना, इनकरेज करना। सो तमिलनाडु जो था इंडिया में, उसने विंड एनर्जी को 10 साल पहले यूज करना स्टार्ट किया था, उसने उसको बूस्ट किया था, एंड आज तक वो एक लीडर ही है विंड एनर्जी के यूज में। नियरली हाफ ऑफ इंडिया नियरली 2000 मेगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी कम्स फ्रॉम तमिलनाडु। नियरली मतलब आसपास लगभग Half of India's nearly 2000, अब इंडिया की 2000 megawatts की जो capacity है उसकी half का जो source है वो तमिलनाडु अकेला है। Wind turbines have been decorating our landscape near Madurai and beyond. अब यहाँ पर decorating को बहुत ज्यादा inverted commas में क्यों किया गया है? क्योंकि decoration का मतलब है beautify करना किसी चीज को, किसी चीज को सुंदरता देना। So, जब हम किसी लैंडस्केप को देखते हैं, लैंडस्केप मतलब ये दृश्य जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये होता है लैंडस्केप। विंड मिल्स ने, विंड टर्बाइन्स ने मदुरई के आसपास के जो एरिया है, यानी कि डाउन साउथ में जो एरिया है, वहां पर लैंडस्केप को और ब्यूटीफाई किया है, और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया है। इन चेन्नई एट द सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च इज डन टू चेक आउट वेरियस विंड साइट्स वेयर विंड एनर्जी कैन बी टैप्ड। चेन्नई में भी एक जगह है जिसका नाम है सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, जहां पर काफी रिसर्च की गई है चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? कि विंड की साइट्स कहां पर हैं, मतलब कहां पर विंड जो है अच्छी तरह से टैप की जा सकती है, इस्तेमाल की जा सकती है, उसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। टैप करना मतलब उसको अच्छे से यूज कर लेना। एंड विंड टर्बाइंस ऑफ वेरियस साइजेस आर चेक्ड to see if they are delivering what they promised to do. और बहुत सारी विंड टर्बाइंस का re-evaluation भी होता है, उनकी checking भी की जाती है कि क्या ये वो काम कर रही हैं जो इनको करना था। If they are delivering what they promised to do, मतलब इन्होंने जो कहा था कि हाँ ये करेंगी, तो क्या ये कर रही हैं या नहीं। विंड एनर्जी इज ऑल्सो अबांडेंट इन मेनी, अबांडेंट मतलब बहुत ज्यादा फ्रीली अवेलेबल, बहुत ज्यादा सप्लाई में होना। सो विंड एनर्जी इज अबांडेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला टू द हिली रीजन्स इन महाराष्ट्र। इंडिया में जो रीजन्स हैं तमिलनाडु, चेन्नई के अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों में भी विंड एनर्जी काफी अबांडेंट सप्लाई में, यानी कि काफी अच्छी सप्लाई में मिलती है। तो इन एरियाज में भी विंड मिल्स, विंड टर्बाइंस इरेक्ट की जा सकती हैं। चलिए अब हम आ गए हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 5.2 पर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द यूरोपियन कंट्रीज दैट यूज विंड एनर्जी। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? आप इसमें अमेरिका का नाम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका इज नॉट अ यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री एक तो है नीदरलैंड्स और एक है डेनमार्क। So you will see the European countries that use wind energy are the Netherlands and Denmark. When and what purpose were windmills used in America? America में windmills कब और किस purpose से use किए गए थे? कब use किए गए थे?
लेट 19th सेंचुरी में उनका काम था पानी सप्लाई करना, पानी पंप करना farms and ranches के लिए. So आप लिखेंगे windmills were erected for pumping water in farms and ranches in late 19th century in America. First बताइए name the first Indian state that used wind energy. तो इसका answer है तमिलनाडु. Can it be used elsewhere? If so where? Yes, it can be used elsewhere. जो कि हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, Kerala and hilly regions of Maharashtra. How does research help in popularizing the use of wind energy? Iska answer hum likhenge. Research finds new sites where wind energy can be used. It also checks out whether the existing sites are giving as much energy as was promised. So first of all, ek to new sites check karta hai aur dusra जो पुरानी साइट्स ने जो प्रॉमिस किया था क्या वो चीज डिलीवर कर रही हैं या नहीं. So this is your answer for number 4 and I'm going to stop here today. In the next class I'm going to do the third section. Uske saath saath jitne bhi questions hain, index questions, overall questions plus grammar, hum usme complete kar lenge. Next video mein aapse fir milte hain. Tab tak ke liye take care and God bless you.